भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की नर्मदापुरम संभाग की हरदा जिले की बैठक में आप सभी का उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदों का हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय सांसद श्री डीडी उइके जी भाई सब जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए, और हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार साखला जी ओबीसी मोर्चा के जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे बीच संभाग प्रभारी द्वय श्री पूनम चंद पटवारी जी और श्री राम नंदवंशी जी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामनिवास गुर्जर जी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है, और सभी जिले से जुड़े हुए और प्रदेश से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। मैं संभाग प्रभारी राम नंदवंशी जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया सीमित शब्दों में अपना व्रत रखें और इस बैठक को शुरू करने का कष्ट करें। राम नंदवंशी जी धन्यवाद भाई साहब, आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के मैं उपस्थित आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष हमारे यशस्वी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह कुशवाहा जी और हमारे बैतूल हरदा लोकसभा के यशस्वी सांसद आदरणीय दुर्गादास जी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होने वाला है। लगातार इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की श्रृंखला में पहले हमारे संभाग की हुई, फिर उसके बाद जिलों की ये श्रृंखला शुरू हुई है। आज इसमें हरदा जिले की बारी थी और पूरे जिले के माननीय जिलाध्यक्ष जी से भी बात हो चुकी थी और साथ में अरुण गौर जी जो कि इस बैठक का मुख्य रूप से काम देख रहे थे, न जाने क्यों अभी हमारे मंडल के अध्यक्ष जुड़ नहीं पाए और भी पदाधिकारी जुड़ नहीं पाए, जबकि इस बैठक में संख्या और अधिक होनी थी। और आज की इस बैठक में जो होने वाला है, अब जो इस बैठक में जुड़ नहीं पाए उनको भी इस बात के लिए फिर अवगत कराया माननीय अध्यक्ष जी। और हमारे इस बैठक में उपस्थित हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री राम गुर्जर जी, हमारे साथ इस नर्मदापुरम संभाग के प्रभारी और प्रदेश के मीडिया प्रभारी आदरणीय पूनम चंद पटवारी जी, राजेश कुशवाहा जी, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की महत्वपूर्ण कड़ी को पूरे प्रदेश में संचालित करने वाले हमारे आदरणीय श्री कुंदन सोनी जी, श्री राजेंद्र चौकसे जी, नितिन नामदेव जी, प्रतीक दामोदर जी, और हमारे हरदा जिले के अध्यक्ष माननीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार साखला जी, आज की इस बैठक में हमें हमारे दोनों अतिथि महोदय श्री भगत सिंह कुशवाहा जी एवं सांसद महोदय श्री दुर्गादास जी का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। इस कोरोना से निपटने के लिए पूरे प्रदेश भर में जो हमारे द्वारा काम किए जा रहे हैं उनकी बात होगी और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। और मैं आदरणीय कुंदन जी से आग्रह करूंगा कि माननीय सांसद जी और माननीय अध्यक्ष जी का उद्घोषण करवाएं। बहुत धन्यवाद आदरणीय संभाग प्रभारी जी। मैं बैठक को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद श्री दुर्गादास जी भाई सबसे निवेदन करता हूं कि वे कृपया हरदा जिले के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय सांसद जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के सभी हमारे सम्मानीय बंधु बांधवों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रथम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री भागवत सिंह कुशवाहा जी, इनके कुशल और प्रेरक नेतृत्व में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यह क्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे बीच में सम्माननीय श्री नंद कुमार सिंह जी, श्री राम नंदवंशी जी, श्री पूनम चंद पटवारी जी, श्री अमित चौधरी जी और सूत्रधार भूमिका में जो हमारे बीच है श्री कुंदन सोनी जी, श्री राजेंद्र चौकसे जी, श्री रामनिवास जी और हमारे हरदा जिले के
माननीय अध्यक्ष श्री राजकुमार साकला जी हरदा, सभी हमारे पिछड़ा हमारे सभी बंधु बांधव मित्रों, आप लोगों को विदित है कि पिछले 4 महीने से लगातार समूचा विश्व इस वैश्विक महामारी से पीड़ित है और समूची दुनिया इस लड़ाई में अपना संपूर्ण देने के लिए तत्पर है। इस 4 महीने की अवधि में मित्रों लगभग पूरी दुनिया में 42 लाख से ऊपर, लगभग ये समझ लो कि 44 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं और लगभग 3 लाख लोगों की इस वैश्विक महामारी की वजह से मित्रों उनकी मृत्यु हो चुकी है। आज हम अत्यंत शोकाकुल होकर उन सारे हमारे जो मृतक भाई बहन हैं पूरी दुनिया के, उनको विनम्र श्रद्धा सुमन करते हैं, शोकाकुल परिवार को के प्रति संवेदना व्यक्त। मित्र इस वैश्विक संकट में जो हमारे राष्ट्र का हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री अपने हेलो हेलो जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ बट आपकी आवाज आ रही है। ऐसा वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा एक वैश्विक भाव भारत की संस्कृति ने पूरे दुनिया को दिया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमको जो संदेश दिया है कि हमको पुनः आत्मनिर्भरता की दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे प्राचीन हमारे जितने गांव हैं वो गांव सभी के सभी आत्मनिर्भर हुआ करते थे, किंतु भोगवादी संस्कृति की दिशा में और पश्चिम की ओर देखने की वजह से हम अपने मूल से भटकते हुए और जो हमारे भीतर से विविध क्षेत्रों में जो विकेंद्रीकरण आया और इस विकेंद्रीकरण की वजह से नाना प्रकार की व्याधियां, नाना प्रकार के संकट हमारे राष्ट्र में सहे हैं, किंतु फिर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमको आत्म केंद्रित होकर नए सिरे से इस वैश्विक महामारी से लड़ने की मित्रों हमको सबको पावन प्रेरणा दी है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र पूरी दुनिया में आज जिस तरीके से प्रशंसनीय प्रशंसा कर रही है पूरी दुनिया कि हमने जिस जिम्मेदारी के साथ में, जिस एक बड़े भाव के साथ में इस वैश्विक महामारी से लड़कर हमने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों का बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पालन किया। अभी आपने देखा कि अमेरिका और तमाम जितने विकसित राष्ट्र हैं वहाँ हर प्रकार की संपन्नता है, किंतु वहाँ पर वैचारिक अराजकता है और जो उनका मूल भाव है वो मूल भाव भोगवादी है। हमारे देश में मित्रों 135 करोड़ हमारे भाई बहन पूरे भारत के, हमने इस वैश्विक महामारी के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान हमने जिस तरीके से अपने सारे बंधु बांधवों की हमने चिंता की और कोई भी हमारा भाई हमारी बहनें कोई भूखी न रहे इसकी चिंता की, इस निमित्त पूरी पूरे देश के अंदर जो अनिवार्य सेवाओं में जो लगे हुए हमारे भाई बहन हैं उन्होंने जिस निष्प्रह भाव से, निश्चल भाव से, पवित्र भाव से
राष्ट्र की अभ्यर्थना और आराधना का एक विराट लक्ष्य लेकर सेवा कार्य में जिस तरह से वे जुटे रहे, आज भी वे जुटे हुए हैं। हमारे देश की जनता ने उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। इसी तरीके से हमारे जितने स्वयंसेवी हमारे साथी हैं, बंधु बांधव हैं, उन्होंने भी कहा है जाति धर्म पंथ संप्रदाय सबसे मुक्त होकर और जो भी भगवान ने जिसको दिया है, जिसको धन धान्य दिया है, प्रतिभा दी, योग्यता दिया, समय दिया, सभी भाई और बहनों ने अपना एक अंश इस वैश्विक महामारी में, इस यज्ञ में आहुतियां अपनी दी है। एक अच्छी स्थिति में आज पूरी दुनिया के सामने भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ने में सफल हुआ है। ये हमारी सामूहिक जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो जो हमको चिंतन दिया है, जो संस्कार दिए हमको, जो हमारी भारत की संस्कृति है, जो लोगों को देकर फिर खाने का जो भाव है, ऐसी वैश्विक भाव की वजह से हम ये सब करने में सफल हुए हैं। मैं इस संक्षिप्त आज मैं सबको संक्षिप्त इस वैचारिक यात्रा में मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज आवश्यकता है कि ये लड़ाई लगभग ये 2-3 साल तक चलने वाली है, ऐसा सारे दुनिया के भविष्यवक्ता कह रहे हैं और इसके जो जानकार है WHO से लेके सभी लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। इसलिए मानसिक रूप से हमको स्वयं भी तैयार होना है और हमारे समाज के सारे भाई और बहनों को भी मानसिक रूप से इसमें हमको तैयार करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी बहुत जरूरी, और इसी के साथ में हमको शासन प्रशासन के जो भी निर्देश है उनका अपने जीवन रक्षा के लिए हमको अक्षरतः उसका स्वयं भी पालन करना है। हमको भी प्रेरणा स्रोत बन के दूसरों को भी इस दिशा में पालन करने के लिए अपने मित्रों प्रेरित करना है। मेरा आग्रह ये था कि अभी जो आरोग्य सेतु ऐप है इसके डाउनलोड के लिए अपने को अधिकतम एक आंदोलन चलाकर नीचे तक अपने संगठन के माध्यम से सारे भाई और बहनों को यथोचित इसकी तकनीकी जानकारी देने के लिए अपने को प्रेरित करना है। एकदम अंतिम व्यक्ति समाज का वो आरोग्य सेतु ऐप डाउन करके और इस बीमारी के बारे में यथोचित जानकारी, अपनी जीवन रक्षा का एक महत्वपूर्ण उसमें सूत्र छुपा हुआ है। दूसरा मेरा अनुरोध है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री केयर फंड में भाइयों बहनों अधिकतम लोग अपने आय का एक अंश उसमें जमा करने के लिए प्रेरित हों। इस तरीके से एक वायुमंडल जनसेवा का, लोकमंगल का बनाने की दिशा में भी अगर हम अपने मोर्चे के माध्यम से हमको एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। समाज के अंदर नाना प्रकार से कुछ जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां कह लो या जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं व्यवस्था विरोधी शक्तियां भी समाज में सक्रिय रहती है कि अच्छा चल रहा तो देखना पसंद नहीं करते। ऐसे जो विघ्न संतोषी है उनको भी समझा कर हमको ये बताने की आवश्यकता है कि भैया ये लॉकडाउन अनिवार्य है जीवन रक्षा के लिए। यदि 2021 की जनगणना में यदि हमको नाम लिखाना है तो ये सारे शासन प्रशासन के जो भी निर्देश आते हैं उनका अक्षरतः पालन हमको भी करना है और लोगों को भी हमको करने की प्रेरणा देना है। इसी तरीके से मास्क के संबंध में हमको एक अंतिम व्यक्ति तक कि मास्क न भी हो तो गमछे से लेकर किस तरीके से हम इस संक्रमण से हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने भाइयों बहनों को नीचे तक जो हमारे भाई बहन है गाँव तक उनको एक आंदोलन चला के व्यवस्थित यदि हम इस रचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हम निभा पाएंगे तो आप देखेंगे कि हम निश्चित रूप से इस वैश्विक महामारी से हम पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी संकल्प शक्ति के साथ और एक सामूहिक भावना के साथ में हम इस महामारी से स्वयं बच पाएंगे और अपने समाज को और अपने राष्ट्र को पूरी दुनिया के सामने इस लड़ाई में लड़ने में जो हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उस प्रतिष्ठा का सहभागी बनाने में हम सामूहिक रूप से सफल होंगे। मैं सभी हमारे पिछड़ा वर्ग के सभी बंधु बांधवों से मैं इतना अनुरोध करते हुए विश्रांति चाहूँगा कि हमारे सारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रसोई के माध्यम से जिस तरीके से व्यक्तिशः हमने अपने अपने क्षेत्रों में भोजन निर्मित करके और किसी भी व्यक्ति को हमने भूखा नहीं रहने दिया, ये इतना बड़ा काम था मित्रों कि ये सारी दुनिया अचंभित है, आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा काम
और ये सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। लोग बड़े मुक्त कंठ से कहते हैं कि भारत का सौभाग्य है कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे चिंतक, राष्ट्र आराधक, यति तपस्वी, सिद्ध साधक, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में राष्ट्र है, जिसकी वजह से हम इस वैश्विक महामारी से बहुत ही सफलतापूर्वक एक सामूहिक भाव के साथ में हम निकलने की दिशा में अग्रसर है। मैं एक बार फिर आप लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार जी और हमारे जो सूत्रधार की भूमिका में श्री कुंदन सोनी जी, सभी भाई और बहनों का मैं अभिनंदन करते हुए अपनी इस वैचारिक यात्रा को विश्रांति की अनुमति चाहता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय, आपका उत्तम मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ और हम सभी अक्षरशः उसका पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अब हमारे बीच में जिलाध्यक्ष जी साखला जी, राम भैया, रामनंदवंशी जी, हेलो, रामनंदवंशी जी सुन पा रहे हैं? साखला जी, हमारे बीच में कोई कोई अतिथि के रूप में कोई और उपस्थित हुए हैं क्या अभी तक? नहीं, अभी उनका फोन आया था, नेटवर्क नहीं चल रहा था, मीना जी का, जिलाध्यक्ष जी का था। अच्छा, तो मैं बैठक को आगे बढ़ा रहा हूँ फिर, है ना? आज की इस बैठक को गति प्रदान करते हुए मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा से आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ कि वे कृपया हरदा जिले के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी नमस्कार। आज के इस हरदा जिले की ओबीसी मोर्चा की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित बैठक में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान, कर्मठ, समर्पित हरदा बैतूल संसदीय क्षेत्र के सांसद हम सबके आदरणीय और सम्मानीय श्री दुर्गादास विके जी, हमारे नर्मदापुरम संभाग का जो काम देख रहे हैं बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम, ऐसे तीन जिलों को लेकर इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूप में संचालित करने वाले, जिले की पूरी कार्यकारिणी और उन मंडल तक संवाद करने वाले, ऐसे हम सबके आदरणीय और सम्मानित संभाग के प्रभारी श्री पूनमचंद पटवारी जी, राम नंदवंशी जी, साथ में उपस्थित हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष रामनिवास गुजर जी, राजेश कुशवाहा जी, मेरे प्रदेश के कार्य समिति के सभी सदस्यगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सक्री जिले के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हरदा जिले में लगातार सक्रियता से काम हुआ, कोई भी ऐसी बैठक नहीं रही जो कि ऊपर से गई हो या कोई कार्यक्रम हुआ हो या कोई ध्यान आया हो तो आपके द्वारा कहीं किसी प्रकार से उसमें कमी रह गई हो, ऐसे 100% अक्षर सा पालन करने वाले ऐसे हमारे सम्माननीय जिले के अध्यक्ष श्री राजकुमार साखला जी और उनकी पूरी टीम, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, आईटी, सोशल मीडिया के पदाधिकारीगण, जिले की कार्य समिति के सदस्यगण, मंडल अध्यक्षगण और माननीय राजकुमार साखला जी की अनुमति से आज की इस बैठक में जो उपस्थित हुए ऐसे अन्य हमारे पदाधिकारीगण, साथ में मेरे इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को संचालित करने वाले प्रदेश के पदाधिकारीगण कुंदन जी, नितिन जी, अमित चौधरी जी, राजेंद्र चुकसे जी, संजय जी, राजेश जी, सभी का मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय सांसद जी का धन्यवाद देता हूं और माननीय सांसद जी ने बहुत अच्छी बात हमको बताई कि कोरोना वैश्विक महामारी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारा देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसी विषम परिस्थिति में हम सब लोगों की सकारात्मक भूमिका क्या होना चाहिए। माननीय सांसद जी ने हमको बताया
कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो आग्रह हुए, चाहे वो राशन वितरण को लेकर हो, दीनदयाल योजना को लेकर भाई साहब ने बताया, साथ में मास्क वितरण को लेकर, मास्क नहीं है तो गमछा लगाएं, साथ में हमारा आरोग्य सेतु ऐप को लेकर बताया, जीवन रक्षा कवच में किस प्रकार से कार्य कर रहा है, प्रधानमंत्री सहायता कोष, पीएम केयर फंड को लेकर भी आपने विस्तार से विषय रखा, और ऐसे सारे कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स, कोरोना फाइटर जो हम लोगों की सबकी चिंता कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़कर अपने जीवन को दांव पे लगाकर हम लोगों की जीवन सुरक्षा के रूप में कार्य कर रहे हैं, चाहे वे पुलिस प्रशासन हो, नगर निगम हो, स्वास्थ्य विभाग के हो या स्वयंसेवी संगठन के हो, उन सबके विषय में माननीय सांसद जी ने हम सबका बड़ी विस्तार से ही हमारा मार्गदर्शन किया। हम सब लोगों को माननीय सांसद जी के मार्गदर्शन में उनकी बातों का अंतःकरण उतारते हुए अक्षर सा पालन करना है। अब अगला क्रम हमारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस का, जो तय हुआ था माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री श्री सुहास भगत जी के नेतृत्व में जो हमारी प्रादेशिक बैठक थी, उसमें माननीय जिला अध्यक्ष जी और उनसे ऊपर के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। उसमें तय हुआ था कि हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्तमान परिदृश्य में जो वैश्विक महामारी कोरोना COVID-19 और उससे लड़ने के लिए, उससे निजात के लिए, उसके बचाव के लिए और वर्तमान क्षेत्र में अभी वर्तमान में सेवा के कार्य को लेकर हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों से संवाद और संपर्क करेंगे। माननीय सांसद जी ने बताया 2 गज की दूरी जीवन के लिए बहुत जरूरी, और प्रत्यक्ष रूप से हम नीचे जाते हैं तो हमारी जो दूरी है उसको भी हमको बनाकर रखना है। तो ये सारे कार्य करना है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय महामंत्री जी ने जो तय किया था उनके में जो बैठक हुई थी, और उसमें तय हुआ था कि प्रदेश की बैठक, फिर संभाग की बैठक, उसके बाद जिले की बैठक के इस तारतम्य में आज आप और हम सब लोग यहाँ संवाद कर रहे हैं। अब अगला हमारा विधानसभा स्तर का है, विधानसभा स्तर की जब बैठक हो तो उसमें हमारी की कार्यकारिणी उस विधानसभा में निवासरत, चाहे प्रदेश से लेकर तो हमारे मंडल तक के सभी पदाधिकारी और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, इन सबको शामिल कर माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी का हमको उसमें मार्गदर्शन प्राप्त करना है। माननीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जी का उसमें मार्गदर्शन लेना है कि वर्तमान जो हमारा वैश्विक महामारी है उसके बचाव को लेकर और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सेवा कार्य को लेकर किस प्रकार से हम नीचे नीचे तक कार्य करेंगे। ये सारे विषयों को लेकर आज की इस बैठक के बाद में माननीय जिला पदाधिकारी जी आपस में चर्चा करके और जितनी हमारी विधानसभाएं हैं सभी विधानसभा में प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर हमारी जो मंडल की कार्यकारिणी, जो 21 कार्यकारिणी होती है 21 कार्यकर्ताओं की मंडल में, जो कि हम मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कार्यालय प्रभारी, कार्यालय मंत्री, आईटी, सोशल मीडिया कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जानते हैं, उन सब कार्यकारिणी के लोगों से संवाद और संपर्क करके फोन पर, दूरसंचार के माध्यम से और सब कार्यकर्ताओं से समय तय करके विधानसभा स्तर की वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है। उसमें माननीय जी से बातचीत करके और हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करके लिंक ले लें, लिंक लेके नीचे नीचे तक डाउनलोड कराएं, ताकि समस्या हमारी जो है उस समय ना आए कि संख्या में लोग जुड़ नहीं पाए, सब कार्यकर्ता आ नहीं पाए, इसकी चिंता भी हम सब कार्यकर्ताओं करनी है। यही सारे विषय मेरे को आपके बीच में रखने थे। बाकी सारा हमारा मार्गदर्शन माननीय सांसद महोदय जी श्री दुर्गादास उइके जी ने हम लोगों के बीच में आकर किया है। हम सब उनकी बातों का पालन करेंगे और माननीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, माननीय हमारे विधायक जी, माननीय सांसद जी, उनके सबके नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी हरदा जिले को मजबूती प्रदान करेंगे। इन्हीं आशा और इसी विश्वास के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। बैठक के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार सांखला जी से निवेदन करता हूँ कि वे कार्यकर्ताओं तक अपनी कुछ बात रखना चाहें, यदि तो वे सादर आमंत्रित हैं। राजकुमार जी सब अनम्यूट कीजिए। वैसे आपको नितिन भाई जिला अध्यक्ष जी को अनम्यूट कीजिए। जी सखला जी भाई सब, हेलो जिला अध्यक्ष जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो राजकुमार जी, सखला जी सुन पा रहे हैं आप? जिला अध्यक्ष जी नितिन भाई मेरी आवाज तो आ रही है ना? आपकी आवाज आ रही है, लगता है अध्यक्ष जी को आवाज नहीं जा रही है। भाई साहब बोलिए आप। अध्यक्ष जी
अध्यक्ष जी को यदि कोई फोन लगा सकता हो तो फोन लगाते, शायद उनको आवाज नहीं आ रही है। अरे अरुण जी फोन लगा के बोल दो उनको। हाँ फोन लगा दीजिए एक बार। राजकुमार जी, सखला जी भाई साहब, आपकी आवाज हम। हाँ जी जिला अध्यक्ष जी, जी म्यूट हो गया आपके पास से। हेलो राजकुमार जी, जिला अध्यक्ष जी। हाँ बोलिए। आवाज नहीं, आवाज म्यूट हो गया। जिला अध्यक्ष जी बोलिए आप कुछ। हेलो जी, जी आपकी आवाज आ रही है। सर जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी जिला अध्यक्ष जी। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ये माननीय सांसद जी ने और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो मार्गदर्शन दिया है उसका हम पूरी तरीके से पालन करेंगे। जी कार्यकर्ताओं से कुछ कहना है। हेलो जी की आवाज। कुंदन भाई जी, जी अपन आगे बढ़ सकते हैं। अध्यक्ष जी को आवाज तो आई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय। इस बैठक के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संभाग प्रभारी श्री पूनम पटवारी जी से निवेदन करता हूं कि वे आज की इस बैठक के लिए आभार प्रकट करने की कृपा करें। आदरणीय पूनम पटवारी जी आपका वॉल्यूम अनम्यूट कीजिए। पूनम भैया उसके पहले अगर कोई महामंत्री या कुछ भी समस्या रखना चाहते हैं अध्यक्ष जी के सामने तो रख सकते हैं आभार प्रकट करने के पहले। 41 पांच मिनट है। पूनम भैया जी। हेलो विजय जी, विजय जी कुछ बोल रहे हैं उनका वो अनम्यूट। विजय जी अनम्यूट कीजिए पहले आप, आपका ऑडियो म्यूट है। हाँ बोलिए बोलिए विजय जी। मैं भाई साहब अरुण बोल रहा हूँ, मेरा फोन कनेक्ट नहीं हुआ था तो विजय जी के फोन पे हूँ मैं। अच्छा कार्यालय मंत्री बोलिए। भाई साहब जो सांसद जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो निर्देश देता दिए हैं उसका हम पूरा पालन करेंगे। साथ ही जो तीन कोरोना पॉजिटिव हमारे हरदा जिले में थे वो भी नेगेटिव आ गए, हरदा जिले के लिए खुशी की बात है। और अभी भी हम जो मार्गदर्शन हमारे प्रधानमंत्री जी का है लॉकडाउन का पूरी तरह से हम पालन कर रहे हैं। और जो हमारे क्षेत्र में कृषि वर्ग में जो काम करने के लिए आए हैं उन्हें गंतव्य स्थान तक हमने पहुंचाने का काम भी किया है। और साथ ही जो भी उनको आवश्यकताएं राशन या अन्य सामग्री की है वो पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार और मानवता के नाते हम पूरी तरह से उनको भिजवा रहे हैं। और साथ ही हमारे हरदा और भोपाल जैसे रेड जोन जिले में हमारे कुछ भाई बंधु फंसे हुए थे उनको भी ई परमिशन के माध्यम से हमने लाए हैं। और लेकिन उनको क्वारंटाइन में ही रखा है 14 दिन जो है वो व्यवस्थित उनके घरों में ही है या उनको स्कूलों में रोक के रखा है और उनकी भी देखभाल जो है कर रहे हैं। बाकी जो पिछड़ा मोर्चा के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी या प्रदेश कार्यालय से जो भी निर्देश होगा हम पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। जी जो भी आपने अभी बताया है इसे वृत्त पत्रक जो है जिला अध्यक्ष जी के पास पहुंचा हुआ है उस वृत्त पत्रक के माध्यम से कार्यालय और संभाग प्रभारी जी को भिजवाने की व्यवस्था कीजिएगा। ठीक आपसे आग्रह है पत्रक पूरा बना हुआ है बैठक को आगे बढ़ाएं। जी 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 संभाग प्रभारी जी पूनम भाई साहब जी
हेलो हेलो जी, मेरा निवेदन है अगली बैठक भी है जी जी। हेलो आ रहे हैं आप, आवाज आ रही मेरी? हेलो जी जी आ रही सकते हैं। आज हरदा जिले की पिछड़ा वर्ग मोर्चे की वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में उपस्थित हमारे हरदा बैतूल लोकसभा सांसद श्री डीडी उके जी, हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह कुशवाहा जी एवं संभाग प्रभारी राम नंदवंशी जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री राम गुर्जर जी, प्रदेश आईटी सह प्रभारी कुंदन सोनी जी, श्री राजेश कुशवाहा जी, प्रदेश में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की टीम में लगे हुए हमारे साथीगण श्री नितिन नामदेव जी, राजन चौकसे जी, अमित चौधरी जी, प्रतीक दामोदर जी, संजय सोनी जी एवं प्रदेश के समस्त पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारीगण एवं मंडल अध्यक्षों, बैठक में उपस्थित हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सिंह जी आ गए हैं शायद, बात देख लो ना शायद। ठीक बात। हेलो हाँ जिला अध्यक्ष जी, जुड़ रहे हैं अमर सिंह मीना जी, जुड़ गए क्या? हाँ किस आईडी से जुड़े हैं? जिला अध्यक्ष जी राम राम हैं क्या जी? जुड़ चुके हैं। हाँ कुंदन भैया जुड़ गए जिला अमर सिंह पटेल जी की आईडी से जुड़ गए। हाँ जुड़ गए। अच्छा हाँ जी, हमारे बीच में जिला अध्यक्ष, आदरणीय जिला अध्यक्ष अमर सिंह जी मीणा उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष जी की जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बीच में आदरणीय सांसद जी उपस्थित हैं और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह जी कुशवाहा जी उपस्थित हैं जी। अमर सिंह जी मैं हेलो जी, अमर जी आपकी बात पर आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है क्लियर। आज पिछड़ा मोर्चे की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप सबका स्वागत है। हमारे बीच हमारे बैतूल हरदा लोकसभा के सांसद हमारे बड़े भाई डीडी उके जी, पिछड़ा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष भाई कुशवाहा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई राजकुमार सांकला जी एवं पूनम पटवारे जी, रामनिवास जी एवं पिछड़ा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज हमारा देश ऐसी महामारी से गुजर रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है उसका हम सबको पालन करना है और हम सब लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। आज देखो हमारे विश्व में अमेरिका जैसे विश्व गुरु कहलाने वाले देश भी कैसी महामारी से गुजर रहे हैं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है उसके कारण हमारे हजारों भाई बहनों की जान बची है। तो इसके लिए मैं इस देश की जनता की ओर से हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पालन करने की बात कही है उसको निश्चित ही हम सब मिलकर उसका पालन करेंगे। और सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे गांव और शहर से जो हमारे अलग अलग प्रांतों में से गुजरने वाले हमारे मजदूर भाइयों जो निकल रहे हैं, हमारी कर्तव्य ये बनता है कि हम उनके
जो भी हमसे बने उनकी मदद करें। मैं तो जब भी हमारे कार्यकर्ता हमको बताते हैं कि भैया यहाँ से मजदूर भाई निकल रहे हैं, तो हम उनकी भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं और यहाँ के प्रशासन शासन से बात करके कलेक्टर महोदय या SP साहब से बात करके उनको उनके जहाँ भी जिले के रहने वाले हैं उनको बस की व्यवस्था कर उनको उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। मैं हरदा जिले के सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आप सब भी इस काम में लगे, क्योंकि ये काम एक पुण्य का काम है। तो मेरा पुनः एक बार सबसे निवेदन है कि हमको हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसका हमको पालन करना है। आज इस बैठक में मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कुशवाहा जी को, आदरणीय सांसद जी को, आदरणीय हरदा जिले के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी वीडियो क्रम के जरिए जो बैठक रखी और हम सबकी चर्चा हुई, ऐसे हर समय चर्चा होना चाहिए। मैं पुनः एक बार सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। पूनम जी से आभार करवा दो। पूनम भाई साहब आभार। पूनम भाई साहब, नितिन भाई, पूनम भैया को अनम्यूट करिए। पूनम भैया आवाज आ रही है बैठक के लिए? हाँ जी जी। आज हरदा जिले की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी, हरदा बैतूल सांसद श्री DD विके जी एवं हरदा जिले के जिलाध्यक्ष माननीय अमर सिंह मीना जी, हरदा जिला पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार साकला जी, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष राम गुर्जर जी, प्रदेश के SIT प्रभारी श्री राजेश कुशवाहा जी, कुंदन सोनी जी, नितिन नामदेव जी, राजेंद्र चौकसे जी, अमित चौधरी जी, प्रतीक दामोदर जी, संजय सोनी जी एवं हरदा जिले के समस्त जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं, सभी गणों का सभी का आभार एवं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संभाग प्रभारी जी। जी, आज की इस बैठक को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब इस बैठक समाप्ति की घोषणा की जाती है।